जालौन मेट्रो से मरेश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। जालौन पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। झूठा है बीजेपी का 9 साल बेमिसाल का नारा। पिछले 9 सालों में नहीं किया कोई भी काम। बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर हुआ ध्वस्त। बड़ा है अपराध का ग्राफ। 2024 में महागठबंधन बीजेपी को हराने का करेगा कार्य। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टकोर में सफाइयों ने शिवपाल का किया जोरदार स्वागत। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर। जालौन से जहां पर पहुंचे हैं शिवपाल सिंह यादव और दिया बड़ा बयान। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी और बीजेपी का जो 9 साल बेमिसाल का नारा है वो झूठा है। पिछले 9 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव आज जनपद जालौन के डकोर में थे। उनका कारवां जैसे ही आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए डकोर के पास पहुंचा तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मौजूद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिवपाल सिंह भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। साथ ही 9 साल बेमिसाल नारे पर भी उन्होंने जो है चुटकी खींच ली और उनका कहना था कि भाजपा के 9 साल के का जो है जिसका वो गुणगान कर रही है वो बिल्कुल शून्य है। मतलब 9 साल बेमिसाल की जगह 9 साल बिल्कुल गलत रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान करते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते नजर आए। 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा में उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ उभर कर बाहर आ रही है और केंद्र में कहीं ना कहीं अपनी महती भूमिका निभाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से इस बार बाहर हो जाएगी। ये पूछो, कल प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद पर उन्होंने कहा सभी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल दिया है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम करते हैं। शिवपाल जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, लगातार चर्चाओं में है, क्या कहेंगे आप इस पे, क्या आपके क्या मत है? देखिए, ये केवल बहकावे वाले काम और झूठ बोलने और जनता को जब चुनाव आता है तो इस तरीके से जनता को बहकाने का काम करते हैं। सर, 2014 से पहले जब आपकी सरकार थी, मौजूदा सरकार आपकी पार्टी को अपराधियों की पार्टी घोषित करती थी। अब पिछले साल एक साल से इस पार्टी के शासन काल में लगातार अपराध हो रहे हैं, इस पे आपको क्या कहें? देखिए, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। अब अदालतों के सामने पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाती हैं, वकीलों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं। बताओ, पत्रकारों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वकीलों का भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव है, पटना में महागठबंधन भी हुआ है। देखिए, हम सब लोग इकट्ठा होकर के जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना जा रहे हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।